हाँ जी, क्या बात हुई है? आपने तो पता जी थाने वाला ने तो जी ये मेरे तो शराबी का रोज छेड़ता जी रात ने शराब हमने तो पता नहीं भी कहाँ रहते हो मैंने तो उसका हाथ मिल लगा जी आप कहाँ के रहने वाले हो खुर्दी का जी ये खुर्दी का आप कहाँ की हो लड़की इसने दरखास्त दी थी जी थाने में अच्छा कहाँ की हो लड़की कहाँ की हो आप रामपुर एडियान की हो जी ये कहाँ न पड़ा बिलासपुर के पास अच्छा तो ये खुर्दी का है जी आप किस तरह है जी आज इसमें दरखास्त नहीं थी जी अरे दरखास्त नहीं है तो हमारा फरकपुर थाने का एरिया पड़ता है जी। इसने कंप्लेंट किया है कि आप यहाँ किराए पर रह रहे हैं आप हाँ जी किराए पर रह जी मेरे तो शराब पी का रोज हमारा छत अच्छा आप किराए पर रह रहे हैं हाँ जी किसका कौन सा मालिक है इसका कौन है मालिक जिससे आपने किराए पर ले रखी है आप यूँ तो बताओ जी इसने मैं किस तरह मेरी दरखास्त दी क्या इसने ऐसे इसने दरखास्त नहीं दी जो आपके साथ लड़का है कोई उसने इसको पिट्या अपने थाने में क्यों नहीं दी दरखास्त अपने थाने में पिट्या तो हमारे एरिया में है अब न्यू तो गुआही तो बताओ भी किसके सामने पिट्या मैं तो रामदेव काम पत्या का पड़का सवेरी मेरी छोकरी मैं देखे आपने मौके पर कौन कौन है जी न्यू तो जो मर्जी कह लेगा यूँ थोड़ी ना जागा नहीं इसने तो न्यू है जिस आप पी का रोज मैंने घर आते काट दे जी छेत का भी घर चल जाए की कर और जब मैंने घर ले जाकर फिर छत्तर लग गया मैं किसके घर बैठू रात ने 12 बजे हमने तो नहीं कहा आपको इसके साथ जाओ हम तो तरीके से भेजेंगे आपको ऐसे थोड़ी भेज देंगे बेटे तरीके से हाँ तरीके से भेजेंगे ऐसे नहीं भेजते भाई आपको मरवा देंगे हम ऐसा कुछ नहीं है बात पता क्या है मेरी बात सुनो आप जिस आदमी से ये तो पता नहीं कौन है कोई भी है इस चीज ने छोड़ दो मेरे को इस चीज के बारे में बताओ आप किस आदमी से किराए पे ले रखा है ये आपने जिस यूरी क्या जी आदमी कमरे क्या नाम है उसका नाम बता दो आप मेरे से पूछताछ कर रहे उसने तो नहीं बेटे यार पूछ तो कर नहीं बेटे आप क्यों रह रहे हैं अलग क्या बात है छोटी बच्ची है आप एक लड़का वहाँ पे इसको टॉर्चर कर दोगे बात सुनो आप इसको मार दोगे इसके फिर नु कहोगे आप भाई इन्हें मैं मार का छेद का घर आते काट दी रोज मैंने मारा छेद का थाने में कंप्लेंट बतेरी दरखास्त आ गई थाने वाला कौन से थाने में इसके बाप ने इसने थाने में खुद के है इसके माँ बाप ने कहा दिया ले जा इसके गो का सरपंच गया थाने में इसके चाचा ने ताऊ चाचा ने तीनों घर ने मिलकर मैं छेद का काट दी इस सारे पुलिस ने कोई कार्रवाई इसके इसके चाचा के छोकर की बहू इसका रहा अमित की बहू इसकी बात के पीछे वजह मां रोज लड़ाई वह कह रही थी मेरी पीस तक जाने वाली थी मां चला 325 अंदर बैठो आप इन पे क्यों कह रहे नहीं आप इनके फेवर क्यों करते हो आपने अपने से मतलब थोड़े ना आप मेरे पड़ोसिया ने परेशान करांगे उनकी लड़ाई झगड़ा करांगे अरे बेटा ये भी परेशान है बच्ची भी है आपके साथ ये परेशान पड़ी ये तो आज परेशान है मैंने कितनी परेशानी से भूखे प्यासे पड़े रहा वहाँ खेता और रोज छेत का काट दे मैं 12 बजे 1 बजे किके घर आ जाऊँ रोज शराबी का मारा छेता मेरे बेटा शराबी डंग तो दिखता नहीं आज पीर की रोड डेली पीवा अधिकारी पंचकुल मंदिर के साथ रहेंगे भाई बात सुनो नहीं आप साफ बात सुनो क्या नाम है आपका रजनी मेरी बात सुनो यदि आपने इनके साथ रहना है ये दोगली बात ना करो आप दोगली बात नहीं बात सुनो मैंने तीनों घर ने मार का छेद का काट खुद खड़ा मौके पर आपने पूछ लिया अपने थाने में करनी चाहिए या नहीं करनी थाने में सब कुछ था हमारा थाने में इसने कहा इसके बाप ने भी इसने उरे काट दो इसने भेज जब इसने उरे रहने ही दें दे पहले मारा छेद तो मैं सर मायके में भी तो रह सकती थी अगर ये कंडीशन थी तो अपनी मायके भी जा सकती थी आप किस मायके क्यों जाऊं मैं 8 साल
आप इस पे बात सुनो, दबाव नहीं डाल सकते। नहीं नहीं, हाँ जनाब ठीक, मेरी बात सुने जो एक आप इसको देखो, आप इल्जाम लगा लिया पूरे परिवार इसने पूरे परिवार पे आप पे इल्जाम लगाया है भाई मारी पिटती में तीनों महीने तो दो महीने से कर अनजान बंदे का दो महीने से बाहर आया, दो महीने में आपने बात सुनो, आप अपने थाने में 500 तो नहीं जिंदा जी, अपने थाने में तो रोज डेली का काम है, दरखास्त हजार 112 नंबर ते रोज थाने वाले मारे घर रोड डेली खड़े छोकर अमित हो छारी के चाचे के जाने किया उन्हें का कर खा उसकी अमित की बहू ने भी कटवानी हुए थे उन्हें अमिल का छेत का तीनों घर ने काट दी। यहाँ आप सेफ हो? यहाँ पे आप सेफ के आज फैक्ट्री में काम कर रही, अपना खैर अपना पूरा पाड़ रही। बच्चे कितने हैं आपके? इस छोकरे के बड़ा है, मेरे छोकरा 1 साल 8 साल का है। वो कहाँ पे है जी? वो इन्हीं के पास है। लड़की कहाँ है? लड़की है सर जी, पड़ी मैं क्यों मजबूरी के कारण रह रहे हैं? और गेल मेरा दुखी शरीर जी, मैं छेती पिटी पड़ी है देख लो जी, मैं अपनी दवाई है की पर्ची दिखाओ आज क्या फिर बस सुधार में की दवाई ले इसने मेरे छेद छेद का शरीर तोड़ा पड़ा। लड़का नहीं होगा, आप परेशान हो करे यहाँ आए? परेशान हो? परेशान है का जी, मारी छेती ये देखो जी मेरी दवाई की पर्ची, मेरा थोड़ा बोड़ा शरीर पड़ा छेत का, जिसने मेरे तो रोज मारा छेत शराबी का पुन्नू राम और विजय कुमार। ये कह रहे हैं कि किसी लड़के ने मारा आपके साथ रहता है? ना जी ऐसी कोई बात नहीं, इस पर नेम करवाऊंगा ही तो करवाओ, किसके सामने मारा छेत, मैं तो अपने काम पे जा रही, अपने काम पे त्याग सांझ पड़का सोएगी जी यहाँ से। तो देख सकते हैं तस्वीरें, इसका रेखा ने रेखा के पीछा रहा जी, उसने उस रात पीवा सड़क पर बजावागा ने एक मोटरसाइकिल का बजा देगा गली सड़क पर चली जावा इसते मिलन, और यो कदी उसते फोन दे दे पुराना, कदी उसते जूतियां कपड़े दे दे, कदी सामान दे दे, ले आन करवा झूठी कह दे अपने घर वाले ते मने पीर पते स्लेप पते मिलया रात ने 12 बजे भला न्यू उधर के चले जा जी, कोई स्लेप पर कोई सामान। क्या मामला है जी आप यहां पे, आपके पति के साथ क्या झगड़ा है? मेरे ते मारा छेता जी शराब पी का। क्या नाम आपके पति का? विजय कुमार जी। कहाँ गए? खुर्दी का जी। अभी रात को क्या मैटर हुआ यहाँ पे? कोई बात नहीं है जी, पड़ोसी से पूछ लिया हम तो, राम ते पड़े से रहिए हमारे पड़ोसी काम करते हैं, यही काम करूँ जी फैक्ट्री में। तो आप रहना चाहते हैं इनके साथ या नहीं? रहना चाहूँ जी, इसका बाप उन्नू राम जी मेरे ते छेता मारा जी। अच्छा, इसलिए आप नहीं जा रहे वहाँ पे? मैं जाना चाहती जी। पहले भी थाने चौकी हो चुकी है? रोड डेली का काम है जी, रोड डेली आ पुलिस 112 नंबर ते भी और थाने ते भी जी, थाने में रोड डेली दरखास्त जा जी। जी थाने वाले पर फोन करके पूछ लो जी 500 क्या बात है, आपने सारी बात बता देंगे रोड डेली का। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा था। क्या नाम है आपका? विजय कुमार है। क्या हुआ आपके साथ? मैं जी अपनी लड़की ने लेना है था जूरा जी। गिरन लग रही है दो जी। कहां लगी? क्या हुआ यहां किस में? ये तो व्हाट्सएप सोनम जी, सोनम ने लेना है था जी, मैं ये अनजाने बंदे के साथ थी जी, इसने मैं पटवाया जी उस पति जी। हां जी अभी उड़ी था जी, इसी क्वार्टर में था जी वो बंदा जी, मैं 10 साल हुए परेशान हो रहा जी बहू जी, मेरी कहीं नहीं सुनवाई हो रही जी, न थाने में हो रही जी, न एसपी हो रही जी। तो अब आप रखना चाहते हैं अपने भाई को? ना जी बस मैं इससे रखता हूँ, और जो मैं रखता रखना नहीं हूँ जी, बस तलाक लूंगा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी लड़की को लेने आया था जूरा जी। तो देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर जो है हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो विवाद की बात बताई जा रही थी, पर लेकिन पत्नी कह रही है मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रही हूँ और अपने काम करके बच्चों को पाल रही हूँ, और लड़का पक्ष पर आरोप लगाए कि वो इनके साथ जो है मारपीट करते हैं, पर लेकिन क्या मारपीट करते हैं आप इनके साथ? ना जी मैंने 10 साल हुए यहाँ। क्या लेने आए थे आप यहाँ? मैं लड़की को लेने आया था जी, अनजान बंदे के साथ रह रही है जी। जी हाँ जी, और 10 साल हुए परेशान हो रहा जी मैं जी। कितने महीने से बाहर है ये जी? हाँ जी
सात आठ महीने से बाहर है जी। क्या आप रखना चाहते हैं? ना जी, मैं रखता जी बस। क्यों? बजी मैं यहाँ क्या करने आए थे आप? मैं इस अपनी लड़की को लेने आया था जी इधर, उसके और उन अनजान बंदे ने जी मेरे साथ मारपीट करी। कोई अनजान व्यक्ति है? हाँ जी। तो देख सकते हैं तस्वीरें, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो देख सकते हैं तस्वीरों में, तो देख सकते हैं किराएदार भी यहाँ पर रहते हैं, पर महिला ने आरोप लगाया कि मार पिटाई करते हैं और इस तरीके की जो बात है जो मिलकर जो सामने आ रही है, पर महिला कह रही है कि मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ, और दूसरे पक्ष का कहना है कि मैं तो लड़की को लेने आया था। क्या करने आए थे आप, इन्हीं के साथ है? जी सर, इन्होंने मुझे जहाँ बाद में बताया कि मेरे साथ ऐसे कुछ हाथापाई हुई है यहाँ पे, तो इनकी वाइफ है काफ़ी सात आठ महीने से, कोई बोल रहे हैं कि घर से बाहर ही रह रही है। तो आज क्या हुआ कि ये अपनी लड़की को यहाँ पे लेने आया था, तो इसकी इसके जो साथ में एक लड़का था उसने इसके साथ मार पिटाई करी है। तो सर अब इसने हमें बुलाया कि आके थोड़ा बैकअप करो, तो हमने आपको भी बुला लिया। वो तो कह रही है नहीं रहना चाहती, मार पिटाई करते हैं। तो सर ये इस चीज़ के बारे में तो खैर तफ्तीश से पता चलेगा कि रहता है, पर जो आसपास इन लोगों से अगर तसल्ली से पूछा जाए तो ये बात सच है कि रह रहा है। तसल्ली से क्या जी सर? इनको पीट के सर। तो देख सकते हैं तस्वीरें। सर चंद्रराम जी, आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या सूचना प्राप्त हुई? सूचना प्राप्त हुई थी कि इस लड़के ने फ़ोन किया है 112 पे, कहने लगे भाई मेरी घरवाली यहाँ रह रही है, छः महीने से फरार है, जो भाई मैंने आज पकड़ लिया इसको, किसी आदमी के साथ रह रही है जिसने मेरे को पिटा है, यहाँ ये कल्ली कमरे में पाई है, इसकी एक बच्ची है वो नीचे लेट रही है, वो इसके साथ नहीं रहना चाहती, वो कह रही है मैं जाना चाहती हूँ उसके साथ, ये मेरे को टॉर्चर करता है, इसका हाँ इसका फादर करता है, इसके चाचा का लड़का करता है, मैं भाई जाऊँगी अपने थाने के थ्रू जाऊँगी इसके घर, ये बात है। तो आप भेज रहे हैं इनको वापस घर? नहीं, हम मारा तो कोई वो नहीं बनता ना अभी इसके, अभी इसका ये है ना जो ये कह रही है भाई मैं थाने में नहीं जाऊंगी, इस टाइम रात हो चुकी है, मैं तो अपने थाने से जाऊंगी, सदर थाने से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रराम जी थे हमारे बीच में, जिन्होंने बताया कि लड़की का कहना है कि थाने के थ्रू घर जाएगी, पर मामला जो है काफ़ी बेचीदा है। लड़के ने आरोप लगाया था कि किसी और के साथ यहाँ पर रह रही है, पर लेकिन अंदर जो है माँ और बेटी जो है अकेली पाई गई, और उसके बाद उसने आरोप लगाया कि मार पिटाई करते हैं और साथ ही साथ मैं जाऊँगी तो थाने के थ्रू ही जाऊँगी। तो ये देख रहे थे आप तस्वीरें जोड़ियों नज़दीक, जोड़ियों नौके के पास से। तो आप मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।